शेपू आणला अण्णा, इथं शेपू पण मिळतं. चल रे भोपळ्या टुणूक टुणूक. तर मराठी सर्दीला खोकल्याला आले पाक. तिकट. दिवाळीची आपली सापात सापाची गोळी. वर्ल्ड फेमस चेरी टोमॅटो. ये डेअरी सेक्शन है, यहाँ पर मिल्क है, चीज है. अलग एक चीज कितने का मिलता है यहाँ पे दिखाओ. चीज यहाँ लिखा है, ये अंदाजे एक पीस है 10.90 शेकेल का, कम से कम 230 रुपए, 4.50 4.5 शेकेल पर किलो. ये लिकर सेक्शन देखो, इधर एब्सोल्यूट वोडका है और इसकी सब कीमतें नीचे लिखी है. एब्सोल्यूट वोडका कितने का है? एब्सोल्यूट वोडका की कीमत है 84.90, सो ऑलमोस्ट 85 शेकेल. How much is that in Indian rupees? तो 1600-1700-1800 रुपए के आसपास. ये वाइन्स है, मोस्काटो, रेड वाइन, व्हाइट रेड वाइन, व्हाइट वाइन, अलग अलग फ्लेवर्स में है. शैंपेन, स्पार्कलिंग, ग्रेप जूस है. ये स्पेशल शब्बात के लिए लोग इस्तेमाल, जूस लोग इस्तेमाल करते हैं. करीब 11 शेकेल, विच इज रफली 250 रुपए. और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जूश घर में आपको मिलेगी. जो शराब नहीं पीते उनके लिए बेहतरीन, बिकॉज ये फ्रूट जूस है, ये ग्रेप, प्योर ग्रेप जूस है, बिल्कुल सेफ. ये लोकल अराक इसको बोलते हैं, लोकल मेक है. ये बड़ी शेप से बना हुई है, बड़ी शेप यानी सौंफ से बनी हुई है. ये सर्दी खांसी के लिए, हालांकि मुझे भी किसी ने बताया कि लेना चाहिए, लेकिन ये अंदाजे 1200 रुपए की है. ये ऑलिव ऑयल है, अंदाजे 28 शेकेल, 600 रुपए की बॉटल है रफली. कुकिंग ऑयल है, ऑलमोस्ट 9 शेकेल्स. हां 9 शेकेल, ये सब सस्ता है फिलहाल. अभी इधर फिलहाल इजराइल इज नोन एज अ लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, तो दूध का प्रोडक्ट्स काफ़ी कंज्यूम होते हैं. लोगों को मिल्क प्रोडक्ट्स काफ़ी पसंद है. जैसे ये योगर्ट है, अलग अलग योगर्ट है, काफ़ी लोग खाते हैं, अच्छा लगता है उनको. मैंगो फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और भी कुछ फ्लेवर है. हालांकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ जल्दी जल्दी जा रहा है. यहाँ पे तो पूरा खाली भी हो चुका है, यहाँ पर खाली हो चुका है. या ये चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर है, ये चॉकलेट पुडिंग है, ये पुडिंग है, ये पुडिंग है, बट इट इज अगेन डेयरी. हाँ डेयरी है, डेयरी बेस्ड है. यहाँ पर ज़्यादातर लोग टिन फूड, कैन फूड खाते हैं, बिकॉज कन्वीनियंस होता है. लोग काम करते हैं, कुकिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, बिजी लोग. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉर्न है, देखकर ये रेडीमेड कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, पीज है, वटाना, ग्रीन पीज है, ये चना है, चना है. तो हुमुस ही बोलते हैं. हाँ हुमुस, इसको हुमुस बोलते हैं. यहाँ पर हुमुस है, ये लाल बीन है ना, राजमा वगैरह कैसे होता है. ये वाइट बीन्स है विद टोमेटो सॉस. अभी जैसे वहाँ पर हमने बीन्स वगैरह देखे टिन फूड, वैसे यहाँ पर पिकल्स यानी मसाला अपने अचार वगैरह. तो यहाँ पर देखेंगे ये देखो टिन है, ये ककड़ी, ककड़ी वगैरह मिक्स है. ये देखिए ऐसे 820 ग्राम. और ये कम से कम 9 शेकेल को है, लेकिन बड़ी भी बॉटल आती है 1300 ग्राम की. ये देखिए कांच में है, ये कांच में है, ये छोटा है, खाली ककड़ी है. मिक्सचर भी आते हैं इसमें, अलग अलग मिक्सचर है. आगे आप चलेंगे तो मिर्ची भी है. ये देखिए मिर्ची है, मिर्ची का अचार, मिर्ची का अचार. ये अचार ये ड्रिप्ट है, ये बैंगन का भरता है. ये देखिए, अरे वाह, ये बैंगन का भरता है. यानी हर चीज़ आपको तैयार मिलेगी. पहली बार नया कलर देख रहा हूँ, कॉम्बिनेशन है कलर का, डबल कलर में है. देखिए डबल कलर, इसमें भी डबल कलर, यहाँ भी डबल कलर. ये सब शिमला मिर्च है, ये पीला कलर, ये लाल, ये छोटे साइज का है, अलग अलग. ये सब शिमला मिर्च है. मिर्ची की साइज़ देखिए है बड़ी, लेकिन इतनी तीखी नहीं जितनी भारत में, इंडिया में मिलती है ये. लेकिन मिर्ची तीखा कम खाते हैं, लेकिन मिर्ची बहुत महंगी है यहाँ पर. यहाँ इसकी कीमत है 8 शेकेल, 8 शेकेल यानी 160 रुपये किलो. गोभी है, ये अब नॉर्मल रेगुलर गोभी है. ये है लेवेंडर कलर का, वायलेट कलर का, लेकिन इसको लाल गोभी बोलते हैं ये. उसके बाद ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर है, ऐसे सब तैयार आते हैं सर प्लास्टिक में. बहुत कन्वीनियंस, सब कन्वीनियंस के लिए है. यानी उठाया, घर पे लेके गए और बनाया, बनाया. बट यही है ना कि जितना कन्वीनियंट हो उतना ज़्यादा महंगा. महंगा बिल्कुल बिल्कुल. ये सब सबकी कीमतें ज़्यादा है, सब कीमत जितना कन्वीनियंस है उतना महंगा. छुट्टी सब्जी सस्ती में आती है, लेकिन ये सब रेडीमेड है. ये देखो स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स है, अलग अलग स्प्राउट्स है, लीव्स है, लेटस, लेटस है. अभी ये जो हमने देखा वो 7-8 शेकेल की है, और ये छोटी वाली है, लेकिन ये है 12-13 शेकेल, क्योंकि ये पैकेज्ड है और कन्वीनियंट है. महंगी है, कन्वीनियंट है, और इसकी टेस्ट भी थोड़ी अलग है. इसका नाम है पिलपिल टिंकर बेल. इधर खाने में सब रेडीमेड बहुत मिलता है, सब श्रेडेड है, कटा हुआ, इजी,
फॉर सैलेड खाने के लिए। ये कैबेज है, ये लाल कैबेज है, ओके। मिक्स भाजी भी मिलता है इधर। ये देखिए, ये गाजर है, ये भोपला है। जब मैं सांभर बनाती हूँ यही यूज़ करती हूँ। मैं बहुत खुश हो गई कि इधर इज़राइल में मिलता है, तो मैं सांभर में हर बार ये डालती हूँ। ये धनिया है, ये पुदीना है, और ये पेट्रोजीलिया है। ये एक 5-6 किल के लिए, अगर आप 3 लेते हो तो 12 में मिलता है। ये पेट्रोजीलिया है, लेकिन मैंने एक बार धनिया समझ के उठा लिया, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर पसंद नहीं, मुझे बस धनिया ही अच्छा लगता है। शेपू अनला अन्ना, ये तो शेपू पन मिलते। इज़राइल इज अ कंट्री व्हिच इज डेजर्ट, बट दे हैव मेड मिरेकल, इट्स अ मिरेकल इन द डेजर्ट, एंड दिस इज नोन एज द वर्ल्ड फेमस चेरी टोमेटो ग्रोन बाय इज़राइल, एंड दीज आर वेरी स्वीट। दे आर लाइक दे ग्रो 40 किलोस ऑन अ ट्री, एंड दिस इज आई एम जस्ट शोइंग यू 2 कलर्स, बट यू हैव मेनी अदर कलर्स। We're going to scan this. I'll show you how it is scanned. So it is come, it's come like this. So it is showing 990 for one, but the price is 16 for two. So now I'll scan one more. 16 for two. वजन करने वाले हैं। ये तरबूज आ गया है। ये देखिए इधर। का वजन है, ये देखो, ये 2.90 उसका रेट है टोटल वजन उसका, और ये प्राइस। और अभी मैं नीचे देखेंगे, ये इसकी रिसीट आ जाएगी। ये देखिए, डन, होल्ड इट। ये देखिए, ये अपना बादाम पिस्ते का सेक्शन है, ड्राई फ्रूट सेक्शन, खजूर का बॉक्स है। कितने का है ये? अंदाजे कि ऐसा वजन किया हुआ है, ये 49 शेकेल किलो है और 814 ग्राम है, तो करीब करीब 40 शेकेल इसका वजन। तो ऐसे अलग अलग है, अलग अलग देखेंगे आप। ये अखरोट है, ऑलमोस्ट 79 शेकेल किलो, 180 ग्राम यानी 14 शेकेल ऐसे है। बादाम है, काजू है, हर एक का फॉर्मेट सेम है, मिक्स है, किसी को मिक्स खाना हो मिक्स है, रेडीमेड ऐसा है। ये ड्राइड अनानास है, किशमिश, ये जर्दालू है, हाँ, उसके बाद ये किशमिश, और ये चने वगैरह है, अलग अलग, हर एक का फॉर्मेट वही है, एक रेट है, उसका किलो वजन दिया है और टोटल अमाउंट। आपको स्कैन किया, ये आ गया। ये ड्राई फ्रूट सेक्शन है पूरा, जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको, ओके। ये आप टेस्ट भी कर सकते हैं। ये उच्च रानी का देखो, ये सॉल्टेड है, मशीन से आ रहा है इसको। ये बहुत पॉपुलर यहाँ पर स्नैक है, इसको बोलते हैं गारा नीम। ये सनफ्लावर सीड्स है, इसको ऐसे तोड़ के अंदर की, इसे कुछ सेव गाठिए के जैसा है, बिल्कुल, थोड़ा ज़्यादा तीखा नहीं है, और बॉक्सेस में मसाले है पीछे, ये अलग अलग देखिए यहाँ पर है। और आप खा सकते हो, ये मक्का है, मसाले वाला मक्का, ये भी ड्राई फ्रूट सेक्शन है, जैसे उस तरफ दिखाया, ये भी चने सेंगदाने, ये चना है अपना रेगुलर, ऊपर बक्से भी है, और नीचे ये काजू है, सफ़ेद काजू, हालांकि इंडिया का काजू ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। ये प्लम है, दिस इज प्लम, पम्पकिन है, भोपला, ये अदरक है, पाइनएप्पल है, चेरी है, तो मराठी सर्दीला खोखलेला आलेपाक तिखट, किशमिश बघा, साइज बघा किशमिश ची, बघा जरा, हे बघा, अरे बाप रे, ही किशमिश है, द्राक्ष, हा नॉर्मल है किशमिश, हे बघा किशमिश है, हे काळे किशमिश म्हणतो मी, काळे द्राक्ष आणि सफेद द्राक्ष, पाइनएप्पल है, ड्राइड, हा ड्राइड है, सगळा सुक्का, एवरीथिंग ड्राइड, सुक्का है, हे बघा आंबा, मँगो, केला वेफर, ये केला वेफर, दिस इज नॉट सॉल्टेड, दिस इज स्वीट, स्वीट केला वेफर, स्वीट केला वेफर, शुगर वाला है। और इधर घर पे जाओ तो चखने में आपको दे गिव यू बादाम पिस्ता टू ईट, ना खाली सींग नहीं देते ऐसा। और ये रेडी मसाले है, देखो 5 मगज वगैरह है, कलिंगड़ के भी, पम्पकिन के भी ऐसे है,
अलग अलग, ये बादामी रेडी है, ये महंगा है बिकॉज दिस इज ये का चीला हुआ, ये कटा हुआ ना, कटा हुआ काजू है, बादाम है, ऐसा है। और ये जो है ना, ये मसाले देखो, वो बिरयानी में रेडी मसाला मिलता है ना, प्याज वगैरह सब डाल के, दिस इज व्हाट यू गेट। ये अलग अलग है, इसमें देखो किशमिश है, और ये बैग में ले सकते हैं, इसे भर के, इसमें भर के उसको वजन करके क्लिप किया और फिर स्कैन करेंगे, सिंपल। ऑलिव्स काफ़ी पॉपुलर है इज़राइल में, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न डेलिकेसी है, तो बॉटल्स में भी मिलेंगे ऐसे, और प्लस ऐसे लेके आप बॉटल्स में लेके कंटेनर्स में दिखाता हूँ आपको। ये अलग है, ये मसाले वाला है, ये अलग है। यूजुअली ऑलिव बोलते हैं कि ऑलिव फ्रेश खाना ही अच्छा है, ना कि बॉटल। ये मिक्सर है, अलग अलग कलर्स। इज़राइल में कम से कम 80 तरह के ऑलिव उगते हैं, और आप ये इसे बक्से में लेके, इसे रेडीमेड बक्से मिलते हैं जिसमें आप डाल सकते हैं, उसको सील कर देंगे, हो गया काम, और लेबल लगा देगा उधर विवेक करके, और बॉटल्स में मिलते हैं। देखो अलग अलग है, पिकल्स है, मिर्ची है अलग, ये पान है, ककड़ी है, ये थोड़ा खट्टा होता है, ये कॉलीफ्लावर है, इसमें ककड़ी है, ये मिर्ची है, प्याज है, इसको बोलते हैं टॉर्टिया, ये रोटी का सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर रोटी नहीं बनती है, यानी इंडियन घर में बनती है लेकिन ऐसे खास तरह से नहीं मिलती है, तो देन वी यूज दिस एज अ सब्स्टिट्यूट। चपाते आप ले, पूरी, गमी बेयर, सावर पैचेस, कैंडी, वाओ, ये सांप सांप पत्थर के बॉटल, कुत्ते का हड्डी है, चेरीज है, चेरीज है, ये बघा कैंडी, दिवाळीची आपली सापाची गोळी, असे हे बघा, हे सावर बार, अफाट छान असतं, गोड असतं एकदम, वेगवेगळे को हे त्याला फ्लेवर्स आहेत, म्हणजे चॉकलेट, हां हे खातात, हे बघा चॉकलेट आहेत, बाप रे, असे वधी पण वर पण आहेत, हे चॉकलेट्स आहेत, आतमध्ये फिलिंग आहे, आणि हे चॉकलेट्स, दिस इज नोन एज हलवा। हलवा मीन्स नॉट हलवा लाईक इंडिया, दिस इज मेड आउट ऑफ तिल, तिळाचा हलवा, वेगवेगळे फ्लेवर्स आहेत, बदाम पिस्ता वगैरे हे ते, आणि इंडियात जो बदामी हलवा मिळतो तो असा असतो, इकडे हा भाबदा बनला आहे, ह्याच्या आतमी स्टिक्स आहेत, वेगवेगळे कलर्स आहेत, आणि ह्याच्या आतमध्ये पिस्ता बदाम वगैरे असा भरलेला आहे, खाऊ शकतो। हा, दिस इज बासमती राईस फ्रॉम इंडिया, दिस इज फॉर टू पॅकेट्स 20 शेकल्स, सो 10 शेकल ईच, सो 220 रुपीज अ किलो, दिस इज, एंड बासमती राइस इज नंबर वन ईयर, पीपल लव बासमती। अनानस जो इंडिया में मिलता है वी गेट, यहाँ भी वही है, अनानस ही है, लेकिन बहुत महंगा मिलता है यहाँ पर, 45 शेकल्स फॉर टू, इंडिया में अपने को छिल के साफ करके मिलता है, यहाँ पर खुद करना पड़ता है, सो इट इज़ डिफिकल्ट। चेरीज, डिफरेंट चेरीज है, ये चेरी देखो, छोटी चेरी, बड़ी चेरी, 24 शेकल का दो है, ये आलू बुखार है, ये आंवला है, आंवले के जैसा है लेकिन मीठा है। आता मुंबई मध्ये पाऊस सुरू होतोय, मका खाणार भाजणेरा, हा आपण इथे मगा, हियर यू गेट मका लाइक दिस, यू हॅव टू प्रिपेअर, यू टू बाय अँड प्रिपेअर। इकडचे टरबूज पाहिले का, इकडचे कलिंगडे पाहिले का, हे बघा, आत्ताच रवी थल्ली हल्लीच परवा चर्चेमध्ये दाखवले, हे बघा त्याचा वजन, तुम्हाला दाखवतो वजन, एक करून दाखवतो, याचा वजन असेल तरी 8-10 किलो, हे बघा याचं वजन करतो, आणि 11 किलोज इज इज ॲव्हरेज साईज, चल रे भोपळ्या, टुणूक टुणूक, हे भोपळा आहे, हे भोपळे आहेत सगळे, हे बघा सिंड्रेलाची पग्गी होती ना, हे बघा अशा रंग, अशी तऱ्याची होती, हे रताळी आहेत, लाल रताळा, ऑरेंज, नारंगी रताळा, इज इज व्हेरी गुड। बटाटी दोन तऱ्हेचे आहेत, पांढरी बटाटी अँड रेड वन्स, लाल बटाटा, दिस इज बेटर, हे मोर स्टार्च इन स्केट, आणि प्लस दीज आर स्पेशल पटॅटोज, ती थोडं एक्सपेन्सिव्ह आहे। चिप्स फार आवडतात, एव्हरीबडी लव्ह चिप्स, असे चिप्सचे पॅकेट आहेत वेगवेगळ्या कंपनी, 20 शेकेलला 1.5 किलोचा, ह्याच्यात पण 3 तऱ्हेचे चिप्स आहेत, अति पातळ, हे मीडियम साईज आणि मोठ्या सऱ्याचे, आणि हे रेग्युलर चिप्स आहेत, आणि हे थोडे कॉन्टूड आहेत, धार असे आलेली चिप्स आहेत, आणि तुम्हाला इथे सगळं बहुतेक रेडीमेडचं मार्केट आहे। फ्रोझन स्ट्रॉबेरी, असं फ्रोझन मँगो मिळतो, फ्रोझन पायनॅपल मिळतात, असे बरेच बरेच रेडीमेड तुम्हाला दाखवतो मी पुढे पुढे, आय शो यू। इथे दुधाचे प्रकार, मिल्क प्रोडक्ट्स आणि व्हेजिटेरियन, दे इट अ लॉट, सो यू सी ऑल रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट, यू सी पिझ्झाज यू गेट लाईक दिस, हे यू गेट टू, यू गेट अप टू 5 इन अ पॅकेट ऑल्सो, ओके, ओवन में डाला फिर बस रेडी टू, इसके ऊपर टॉपिंग्स डालो, आप बनाओ अलग, जैसा टॉपिंग्स दिखाया
मिक्स करो, आप प्याज डालो, टमाटर डाला, ऑलिव डालते हैं एंड दे आल्सो पुट लॉट ऑफ ब्रिंजल दे इट। वांगा पुष्कर खाता थे लोग। चार वैरायटीज गेट मार्गरिटा पिज्जा इज अ डिफरेंट फ्लेवर। ऑलिव्स कॉम्बिनेशन मोर। दिस इज फलाफल, दिस आर लाइक अपना मूंग दाल भजी कैसा होता है उस तरह का ऑन इन द फलाफल। इज अ वेरी फेमस फलाफल डिश, सो यू पुट दैट इन पिता ब्रेड, लाइक यू कट ओपन एंड यू पुट इट देयर। देन यू हैव दिस नोन एज सिगारियास, इज ऑल वेजिटेरियन बेसिकली। इट्स अ रोल्स लाइक पोटैटो एंड सम मसालास। ये अपने समोसे भी है इधर, पोटैटो फिल फिलो पैटीज, लुक्स लाइक ए समोसा। हाँ, मसाला बाजार, मसाला सेक्शन, बे लीव्स है, जायफल है, जीरा, दालचीनी, लवंग, हळद, मिर्च्या वेगवेगळ्या तऱ्हेचे आहेत तिथे। पिझ्झा टॉपिंग ऑरिगानो इज देअर, हिरवा मसाला आहे, वेगवेगळे नाव आहेत। वरा डेकन, इज्राईल इज अ मिडल ईस्टर्न कंट्री, मिडल ईस्टमध्ये लॉट ऑफ मसालाज आर इटन अँड रेडीमेड बी पॅकेट्स आहे, यू गेट रेडीमेड ऑल्सो अँड यू कॅन पिक अप द क्वांटिटी यू वॉन्ट। दिस लाईक अ पर्शियन राईस, देन दिस इज इंडियन राईस बासमती, यू गेट बिगर पॅकेट्स, 1 kg 400 g पॅकेट, दिस इज बासमती। दिस आर डिफरंट कॉम। थाय राईस यू गेट थायलंड, यू गेट जास्मिन राईस। सी दावत हियर इज इफ यू पॅकेट 1 kg इज फॉर 14 shekels, बट इफ यू टेक अ बिग पॅकेट ऑफ 5 kg इट इज 50 shekels। दिस इज इकॉनॉमिकल, दिस पॅकेट इज इकॉनॉमिकल अँड यू गेट चीज एअर टाई एअर पॅकेट एअर पॅक्ट। दिस इज बासमती राईस एअर पॅक्ट ॲब्सोल्युटली। सो बासमती इज नंबर 1 राईस। पास्ता भी अलग 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 मिलता है। पास्ता का बहुत ज़्यादा क्रेज है क्योंकि इटालियंस भी बहुत सारे हैं, बट इन जनरल इजरायलीज एंजॉय अ लॉट ऑफ इटालियन फूड। यू विल सी लाइक अ लॉट ऑफ पास्तास आल्सो। या एक स्पेगेटी, दिस इज अनदर स्पेगेटी व्हिच इज लाइक मोर फ्लैट। नहीं, और आई डोंट नो इफ दिस इज कॉल्ड स्पेगेटी, व्हाट इज इट कॉल्ड, आई नीड टू लर्न मोर इटालियन फूड। नारळाचं दूध यानी कोकोनट क्रीम इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, समटाइम्स इन 1 liter, हाफ अ लिटर, समटाइम्स 100 ml ऑल्सो। सो देर व्हरायटीज अवेलेबल। दिस इज द स्नॅक्स सेक्शन, चटपटा लाईक रिंग्स, ब्रेडसेल्स अँड रेंजिंग बिटवीन 5 shekels, 4 and a half shekels टू 10 shekels। Weight could vary. They're like, this is for example 300 grams. These are newly launched brands. These are 4 chips and regular chips, but little spicy thoda, because according to their standards they eat less spicy. Cheetos, Doritos, your Lay's. This is not Lay's, this is like Lay's. This one tasa packaging tasas hai, but it is not Lay's. Elite sa hai bak. Ha, elite. This is the non vegetarian section. Fishes per piece. So in a kg around 5 to 6 pieces roughly, depending on the price. Some are with the skin, some are without the skin. These are without skin, ready. No, you can fry it by coating it with bread crumbs. This is the tuna section. This is tuna kuppa. This is the most expensive section. The salmon is the most expensive fish in Israel. You can get pieces like this, 4 pieces. You can get a piece like this, it can go up to 100 shekels, so like 2200 bucks. ye khima section hai, ye beef ka khima hai, chicken ka khima hai, yahan bakri ka gosht nahi milta hai, lamb khate hai log, peas hai, corn hai, dekhiye carrots bhi hai, artichoke hai, carrots hai udhar, ye beans jaise hai, double beans jaise hai, beans frozen beans hai na, beans hai, broad beans, beans hai, ये फ्रेश फ्रोजन कट ग्रीन बीन्स है, ऐसा काफ़ी। और इधर ये है, ये वटाने जो हैं ये बड़े भी मिलते हैं और छोटे भी मिलते हैं, तो ज़रा छोटा सेक्शन। मिक्स वेजिटेबल्स मिलते हैं, खाली कैरेट और कॉलीफ्लावर, फिर 4-5 वेजिटेबल, काफ़ी बहुत कुछ, काफ़ी कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। ये देखिए फ्रोजन कॉलीफ्लावर, यहाँ पे सब फ्रोजन मिलता है बिकॉज पीपल डोंट हैव द टाइम, so they just like buy everything, put it in the freezer, cauliflower, and this then they is mixed vegetables, put it in the pan. ye same hai lekin company alag hai. ye ready to eat hai, ready to serve. ye hummus yani chana ki paste, alag alag flavors hai. isme masala hai upar, chote size mein hai, plain hai,
इसका वेट है, परसेंटेज है, ये देखो इसे पेस्ट करके उसमें दे ये। This isn't cool. और ये जो है वो अलग अलग डिप्स है, अलग अलग डिप्स है, ये सब गोभी का है, टमाटो का है, लहसुन और टमाटो मिर्ची है, ऐसे अलग अलग है। यहाँ पर लादी पाव नहीं मिलता है, इधर सब ये स्लाइस ब्रेड है अलग अलग कंपनी के। आपको स्लाइस ब्रेड में यू गेट ये ऐसे वाइट ब्रेड, वाइट ब्राउन ब्रेड, मल्टी ग्रेन ब्रेड, उसके बाद अलग अलग क्वालिटी अलग अलग कंपनी के है। ये तो मल्टी ग्रेन ब्रेड है, इसको खाला बोलते हैं, जो जूस फ्राइडे नाइट को इस्तेमाल करते हैं स्पेशली हैंडमेड जैसे अलग अलग। और जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं उनकी अपनी खुद की भी ब्रांड होती है, वो समटाइम थोड़ी सी रीजनेबल प्राइस हो। ये देखो ये गरम गरम पीता ब्रेड है, ये खुमुस और फलाफल जो स्पेशल डिश है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अभी बिल्कुल बेकरी से आया एकदम अंदर से गरम गरम एकदम। ये है ये अलग अलग तरह की पाव, बेहतरीन ब्रेड इज वराइटी है। ये देखिए अलग अलग तिल, तिल है इसके ऊपर तिल है। उसके बाद ये बड़े बड़े है रोटी के जैसे नान, अपना नान है इंडिया में नान मिलता है। ये लंबा पाव, ये गुटली पाव गोल छोटा छोटा पाव भाजी के साथ खाने के लिए बिल्कुल बढ़िया बढ़िया है। और ये भी टाइप एक तरह का पिता ब्रेड ही है इसे बता, लेकिन छोटे साइज का है। एग्स एंड मिल्क आर द ओनली टू थिंग्स इन इसराइल विच आर स्टेट कंट्रोल, सो दे आर रीजनेबली प्राइस एंड यूनिफॉर्म एनी वेयर इन इसराइल। सो नॉर्मल 12 एग्स विल कॉस्ट यू अराउंड 12 शेकल्स, पैकेट ऑफ मिल्क विल कॉस्ट यू अराउंड 6 शेकल्स, बट परसेंटेज इज ऑफ फैट इज वेरी लेस, 1% 3%। तो दही भी बनाने का होगा तो मिक्स करके बनाना पड़ता है। सी लॉट ऑफ पीपल आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, सो यू गेट डिफरेंट वैरायटीज, यू गेट सोया आमंड ओट्स ड्रिंक्स, सो दिस इज द सेक्शन व्हिच कवर्स डिफरेंट। देयर आल्सो यू हैव स्वीट प्लेन परसेंटेज वाइज, सो दिस इज द होल सेक्शन। सी नाउ वी विल स्कैन द टोटल बैग्स, द होल ट्रॉली विल गो ऑन दिस, ओके स्टॉप्स हियर, ओके ओके नाउ आई विल स्कैन हियर, okay this is how it comes, okay then I do this, CMT is to finish, okay yes now my total is 48.75, now I'm moving for payment, okay now I will keep any one of this, okay this is the amount, it's paying by card, paying by card, done, okay now I need Raghib. This is installment. यहाँ पे you can pay in many installments. We are paying in one go. Hala? Done. We are done. हम अब बाहर निकल रहे हैं. Because tomorrow is a holiday. Everybody's come to shop and there's so much crowd right now. We are trying to figure out how to get out from here. It was so crowded क्योंकि कल एक holiday है and just like one day before the holiday it the grocery stores are crowded, they shop as if there's no tomorrow, as if there's going to be no stuff, crazy. But we wanted to film this for you, we wanted to do grocery shopping and show you the difference in prices because like they say Israel is expensive and we are at one of the grocery stores jahan pe cheap milta hai, but if you still compare the prices to India prices it is expensive. So I hope you enjoyed this video and I will see you next time.